Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is approximate value of square root. Square root की हमें approximate value find करनी है. कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारे पास number होता है वो कोई perfect square हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो अगर वो number perfect square नहीं है तो उसके हम क्या निकाल सकते हैं, एक approximate value तो निकाल सकते हैं ना. तो वही हम किसी भी स्क्वायर रूट की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वही हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये बताया था. अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है. और यहाँ भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बगल में ही आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए क्योंकि आपको उससे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी. बच्चों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके. ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए. हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट. क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स नंबर्स अप टू 2 and 3 डेसिमल प्लेसेस. ये हमारे पास जो नंबर है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक. ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक या फिर 3 प्लेस तक हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे. चलिए देखते हैं, चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ 55 है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है ये 55 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे. तो देखिए सबसे पहले पेयर अप कर लेते हैं, तो ये पेयर अप तो हमारे पास पहले से ही है, 55 है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसी एक यहाँ पर कोई नंबर लिखिए जिसका स्क्वायर हमारा या तो 55 हो या 55 से छोटा हो. तो अगर हम 8 का स्क्वायर देखते हैं तो 8 जो कितना होता है हमारे पास 64 होता है ना. तो 8 8 64 होता है यानी 8 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा. अगर हम 7 का करें तो 7 7 49 इससे छोटा हो सकता है. ठीक है, तो 7 से लेकर जाएंगे तो यहाँ 7 से करेंगे तो यहाँ भी 7 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा. 5 माइनस 9 हो नहीं सकता, बोरो लेंगे 15 15 माइनस 9 हमारे पास हो जाएगा 6 और यहाँ पर कुछ नहीं. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 बचा, अब हमें इसे और करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, पॉइंट लगाएंगे. तो ठीक है, तो चलिए पॉइंट लगाते हैं. यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ भी पॉइंट लगा लीजिए. आपको पता है जब भी हम पॉइंट लगाते हैं या फिर डेसिमल लगाते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से कितने भी, है ना. तो यहाँ पर हमें कितने 0 हम ऐड कर सकते हैं, 2 0, क्योंकि हमें हर चीज पेयर में करना है इसलिए हम यहाँ पर 2 0 पहले ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमने ऐड किया तो यहाँ जब माइनस किया तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या उतर आया नीचे, 0 0. अब यहाँ हमने 7 से यहाँ पर किया था तो वही नंबर 7 जो है वहां पर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ 14 में हम यहाँ ऐसा क्या लिखें कि उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास या तो 600 हो जाए या 600 से छोटा आए. तो चलिए यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो 14 को पहले हम 4 से करके देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर 4 लिखा तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 4 16 और 17 कैरी 1, 4 4 4 1 4 और 8 5, 576 आ गया. अगर हम यहाँ 5 से करते हैं तो चलिए देखिए करते हैं, 14 को अगर हम यहाँ 5 और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 22 और 2 कैरी, 5 5 6 7 725 आ जाएगा जो कि इससे बड़ा है. तो यानी हमें कितनी बार में लेकर जाना पड़ेगा, 4 times. तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 4 लिखा तो यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा, 4 से क्योंकि हमने किया है और यहाँ 4 को हमें क्या करना होगा, एड करना होगा. यहाँ आंसर कितना आया 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 500 576. तो यहाँ हमने लिख लिया 576. अब इसे माइनस करेंगे, 0 में 6 नहीं जाएगा, इनसे बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, इनसे बोरो लेंगे 10 हो जाएगा. 10 माइनस 6 हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा. यहाँ या 9 9 माइनस 7 हमारे पास 2 आएगा. 5 माइनस 5 नथिंग. अभी भी बच रहा है क्योंकि हमें डेसिमल के कितने प्लेस तक चाहिए, या तो 2 प्लेस या तो 3 प्लेस तक उन्होंने कहा है ना. तो यहाँ पर 2 0 हम और ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें हमेशा पेयर में करना है. तो डेसिमल के बाद तो आप कितने भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ हमने 2 0 ऐड और ऐड कर दिए. तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या उतार लेंगे, एक पेयर और उतार लेंगे 0 का. तो यहाँ पर देखिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ये 4 और ये 1 148 148 में यहाँ पर ऐसा क्या लिखे कि उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो यही नंबर आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं, 148 को 3 से करके देखते हैं, तो 3 को 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा हमारे पास कितना हुआ 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 5, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको हम 2 से करके देखते हैं, तो चलिए यहां मैं ऊपर कर देती हूँ, 148 को 2 बाय 2 से करेंगे, जब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 2 9 6 4, यानी अभी भी ये क्या है हमारे लिए ज्यादा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आ रहा है, तो यानी किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो इसको 1 से करेंगे और यहाँ 1 ऐड करेंगे, तो अगर किसी नंबर को 1 से करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और हमारा क्या आ जाएगा 1481, यहाँ आएगा 1481, माइनस कर लेंगे, यहाँ पर इनसे बोरो लेंगे, ये इनसे बोरो लेंगे, 10 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 9, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, यहाँ पर बचा 3, तो ये इनसे बोरो लेंगे 13, 13 माइनस 4 आ जाएगा 9 और यहाँ पर हमारा आएगा नथिंग। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को यहाँ नीचे ऐड करते हैं, है ना, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 841 इतना हमारे पास हो गया। डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने निकाल लिया, लेकिन चलिए 3 प्लेस तक इसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1482 के यहाँ पर हम ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 919 है, ये तो होगा नहीं, तो दो पेयर और हम बढ़ा सकते हैं, दो पेयर और बढ़ाया और नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पे 2 जीरो और रख लिए कि ये हमारा आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए 5 से करके देखें, 1482 को यहाँ 5 से और यहाँ भी किससे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12 का 2 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 कैरी था 41, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7, यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आ गया 74125, ये हमारा आ गया है ना, लेकिन अभी भी ये हमारा क्या है छोटा है, तो अभी और करके देखते हैं 6 से क्या देखते हैं कि 6 से कितना आता है, तो यहाँ 1482 हमारे पास है ही 1482, यहाँ पे 6 और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ देखिए कितना आता है हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 6 2 जा कितना होता है 12 और 3 कैरी था 15 का 5 कैरी 1, 6 8 जा 48 49, 4 कैरी, 6 4 जा 6 4 जा 24, 25 26 27 28, 2 कैरी, 6 में 6 7 8, इतना आ गया हमारे पास। हाँ, ये नंबर इससे क्या है थोड़ा सा छोटा है, अगर हम यहाँ 7 से करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ कितने बार में ले जाना पड़ेगा 6 टाइम्स में, तो 6 टाइम्स में ले जाएंगे, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने 6 लिखा और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया 6, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आया 88956, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 88956। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा 0 में से 6 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे 10 में 6 या 4 बचा, 9 माइनस 5 या 4 बचा, यहाँ 8 में 9 नहीं जाएगा बोरो लेंगे, 18 में 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा बोरो लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ जो नंबर लिखते हैं वही नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ ऐड कर लेंगे 6 6 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 8 4 1। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया नंबर, और हमें क्या कहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कीजिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक या फिर 2 प्लेसेस तक, तो हमने फाइंड कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया अप्रोक्सीमेट 55 का, अगर हमें निकालना है रूट 55 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो 7.416 होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन बी है 72.72 है, 72.72 इसका हमें क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट निकालना है, रूट रूट वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिया 72.72, अब यहाँ पर हमें पेयर बनाना है तो पेयर हमने बना लिए। ठीक है, अब यहाँ 72 है तो कुछ ऐसा पेयर ऐसा नंबर पढ़िए जिसका स्क्वायर 72 हो, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 होता है ना,
99 का क्या होता है, 81 होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 8 से लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ हमें 8 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 64, तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आएगा, 6 माइनस 6 नथिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे, हमारा आएगा 72। तो अब यहाँ पर देखिए जितना नंबर लिखते हैं उतना ही ऐड करते हैं, तो 88 हमारे पास क्या हो गया, 16 हो गया। 88 हमारे पास कितना हो गया, 16। अब यहाँ पर 16 के बगल में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि ये हमारा आ जाए, तो करके देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर हम लिखे, 4 से करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ 16, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ भी 4 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, 4 जो 16 कैरी 1, 6 4 जो 24 और 125 2 कैरी, 4 1 जो 4 और 5 और 6 600। अभी भी ये क्या है, बड़ा है, यहाँ से 5 से करके देखते हैं, 16 को 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जो 25 2 कैरी, 6 5 जो 30, 31 32 2 3 कैरी, 5 1 जो 5 6 7 8 825 आ गया। हाँ ये हो सकता है यहाँ पर, है ना, और अगर हम यहाँ 6 लिख देते तो ये नंबर बड़ा हो जाता, तो यहाँ 5 से करेंगे, अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 825। माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आएगा 7, यहाँ पर आएगा 6, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर यहाँ पर हमने 5 लिखा है, तो यहाँ 5 भी ऐड भी करेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी 1, 6 और 1 7 और ये 1, 170 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल है, तो इसके बाद हम कितने भी जीरो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम एक जीरो का पेयर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे हम जीरो का एक पेयर क्या कर ले रहे हैं, उतार ले रहे हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ 170 में यहाँ पर क्या नंबर ऐसा लिखे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं, पहले 2 से करके देखते हैं कितना आता है, 170 को अगर हम 2 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जो 4, 2 0 जो 0, 2 7 जो 14 का 4, कैरी 1, 2 1 जो 2 और 8 3, 3403। अभी भी ये नंबर बड़ा है, तो 3 से करके देखते हैं कितना आता है, 1703 से 33। ठीक है, तो 33 33 जो 9, 3 0 जो 0, 3 7 जो 21, 2 कैरी, 3 1 जो 3, 4 5000। ये तो इससे बड़ा हो गया, तो 3 से नहीं जा सकता, ये हमारा किससे जाएगा, 2 से। तो यहाँ अगर ये 2 से जाएगा तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 2 से हमारे पास कितना आया, 3404, तो 3404 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, ये इनसे बोरो लेंगे, इनसे 10 माइनस 4 हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 0 9 ही रहता है, यहाँ आया 6, 6 माइनस 4 2 रहता है, 4 माइनस 1 ये रहेगा। यहाँ जो नंबर लिखते हैं सेम वही नंबर ऐड करते हैं, जैसा मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ, 2 क्या होगा, 4 होगा, ये 0, 7, 1। यहाँ हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाले हैं, लेकिन हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है, तो ऐसा एक और नंबर सोचिए कि यहाँ पहले तो ये छोटा नंबर है, यहाँ एक और पेयर ऑफ जीरो हम ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर एक और पेयर ऑफ जीरो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, तो चलिए इसको हम करके देखते हैं, 6 करके देखते हैं। ठीक है, 1704 के बाद यहाँ 6 और यहाँ भी 6 लिखते हैं, कितना आएगा देखते हैं, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 जो 24, 25, 26, 27 का 7, 2 कैरी, 6 0 जो 0 और 2 का 2, 6 7 जा 6 जो 36, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10। तो ये नंबर तो छोटा है और ये नंबर हमारा क्या है, बड़ा है, तो चलिए 7 से करके देखते हैं, 1704 के बाद यहाँ 7 से करके देखते हैं। ठीक है, 7 से, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32, 2 3 कैरी, 7 0 0 और 3 3 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11 आ गया हमारे पास। तो यहाँ ये नंबर सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ 8 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 7 से करके देखते हैं, यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और हमारा 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है, 1 1 9 3 2 9। तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 9 1, यहाँ 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ 5, 5 माइनस 3 2, ये 0, 2 माइनस 1 1, ये नथिंग। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसा कि आपको मैंने कहा है, हम लोग ने फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 72.72 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कितनी आएगी, 8.527। ठीक है,
बच्चों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो आप लोग सम्स को जरूर से प्रैक्टिस किया कीजिए, प्रैक्टिस करने से आप लोग को ये सब बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत आसानी से आ जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको डायरेक्ट मुझे ये आंसर बताना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।